प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का एक बृहद अभियान है कि लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। अयोध्या को एक नई अयोध्या के रूप में विकसित करने के लिए 8568 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को वर्तमान में डीपीआर और आदि की बनने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा करके एक वर्ष पूर्व की इस बृहद कार्यक्रम के ध्यान को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम अयोध्या धाम से आपने प्रारंभ किया था। वह अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में वैश्विक जगत में देखने को प्राप्त होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वितरण के इस बेहद कार्यक्रम में प्रदेश के 80,000 से अधिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से संचालित दुकानों में के माध्यम से 15 करोड़ उन लाभार्थियों को प्राप्त होने जा रहा है जिन्हें इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से उनके अनुकंपा से प्रथम लहर में अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक और कोरोना महामारी की दूसरी लहर में मई 2021 से 2021 के नवंबर माह तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हम सब का सौभाग्य है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश ने इस महामारी के खिलाफ जिस प्रतिबद्धता के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, न केवल देश के अंदर आम नागरिक के जीवन और जीविका को बचाने का यह एक अभिनव अभियान रहा है, दुनिया की तमाम प्रतिष्ठित संस्थाओं ने इस पूरे कार्यक्रम की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का एक बृहद अभियान है और सचमुच कहा जा सकता है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रत्येक उस नागरिक को जो केवल अंत्योदय और पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड धारक था उसे तो यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया ही गया, बल्कि अन्य जरूरतमंदों को यह खाद्यान्न प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाने में मदद मिली। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कोविड-19 के पहली लहर की आहट के दौरान ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को सतर्क करते हुए कुछ आवश्यक मार्गदर्शन किया था।
और समय समय पर उनका योग्य मार्गदर्शन पूरा देशवासियों को प्राप्त होता रहा। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट एंड टीका का जो अभियान पूरे देश के अंदर बृहद पैमाने पर चला है, आज उसका परिणाम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है और अब तक उत्तर प्रदेश में 6,67,00,000 से अधिक लोगों का कोविड टेस्ट करके जो भी इसमें पॉजिटिव पाए गए उन्हें उचित उपचार और राहत देने का कार्य भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। टीकाकरण में भी अब तक उत्तर प्रदेश ने 5,21,00,000 से अधिक लोगों को कोरोना का सुरक्षित टीका, ये टीका केवल टीका नहीं बल्कि इस महामारी से सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है और अब तक उत्तर प्रदेश में 5,21,00,000 से अधिक लोगों को यह टीका सुरक्षित रूप से दिया जा चुका है। और आज हम विगत एक वर्ष से जिस एक अन्न योजना की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जिस बड़े अभियान के माध्यम से उस हरेक जरूरतमंद को गरीब कल्याण योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाली इस अन्न योजना के साथ जुड़ रहे हैं, यह देश का और दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। अकेले उत्तर प्रदेश में अन्न वितरण का कार्य प्रधानमंत्री अन्न गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से, यह अन्न वितरण का कार्यक्रम विगत वर्ष अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 के बीच में भी संपन्न हुआ था और इस वर्ष भी मई 2021 से मई, जून और जुलाई का खाद्यान्न अब तक प्रत्येक जरूरतमंद को उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग इससे सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं और ये नवंबर तक योजना इसी रूप में आगे बढ़ेगी। लेकिन अन्न के साथ साथ उसे एक सुरक्षा के लिए सुरक्षित बैग भी उपलब्ध हो जाए, ये वाटर प्रूफ बैग आज इस बृहद योजना के साथ जोड़ करके हर एक व्यक्ति न केवल शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी रखने बल्कि कोरोना महामारी से उसे सतर्क रहने के लिए भी आज यह बैग उन्हें इस राशन किट के साथ उपलब्ध करवाने का कार्य यहां पर संपन्न किया जा रहा है। आज के इस अवसर पर जब यह अन्न वितरण की इतनी बृहद योजना प्रदेश के अंदर संपन्न हो रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, ठीक एक वर्ष पूर्व इसी समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन अयोध्या की धरती से ही प्राप्त हुआ था। 5 सदी के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। मंदिर निर्माण की कार्रवाई बृहद स्तर पर आगे बढ़ रही है और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या में निर्माण कार्यों और एक नई अयोध्या बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है, इसमें अब तक 17 परियोजनाएं 138 करोड़ की पूर्ण हो चुकी हैं। 54 परियोजनाओं में जिनमें 3,136 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं में कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और अयोध्या को एक नई अयोध्या के रूप में विकसित करने के लिए 8,568 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को वर्तमान में DPR और आदि की बनने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा करके एक वर्ष पूर्व की इस बृहद कार्यक्रम के ध्यान को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम अयोध्या धाम से आपने प्रारंभ किया था, वह अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में
वैश्विक जगत में देखने को प्राप्त होगी। मैं आज के इस अवसर पर कोरोना महामारी के दौरान बेहतरीन प्रबंधन के लिए समय समय पर मार्गदर्शन प्रदान करने, देश के अंदर हर तबके के नागरिकों को उस महामारी के दौरान न केवल मार्गदर्शन दिया बल्कि उनकी जरूरतों को हर स्तर पर पूरा करने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से देश को जो एक नई दिशा देने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस बृहद कार्यक्रम में एक बार फिर से प्रदेश के उन सभी लाभार्थियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।